हमारे भारतवर्ष में प्याज की नर्सरी बनाने के कई और तरीके होते हैं, हर राज्य में अलग तरीका होता है। इस तरह से हमने खेत तैयार कर लिया है और यहाँ पे हम प्याज की नर्सरी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीज़न में, तो बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आप देख रहे हैं स्टार इंडिया फार्मर यूट्यूब चैनल। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये घर पर तैयार किया हुआ प्याज का बीज है, ये रेड ओनियन, जो इस सीज़न में हम इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिएगा, ये पूरा घर पर तैयार किया हुआ बीज है और इसका अंकुरण 100% निकलता है। आप देखिएगा किस तरह से नर्सरी के लिए महाराष्ट्र में परंपरागत पद्धति से जो अंकुरण की प्रक्रिया की जाती है आप देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। और जो बीज है इसको हमने सीड ट्रीटमेंट कर लिया है, सीड ट्रीटमेंट करके हम इसे 100% उगाने की कोशिश सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से होती है। इस तरह से हमने खेत तैयार कर लिया है और ये नर्सरी के लिए अभी तैयार है। आज हम 2 किलो का बीज लिया है, वो उसमें नर्सरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने जो महाराष्ट्र में से गादी बाफो बोलते हैं, इस प्रकार से हम करते हैं। हर राज्य में हर प्रकार हर तरीके से जो नर्सरी की तैयारी की जाती है। हमारे महाराष्ट्र में जो पहले से जो चला आया है और उस तरह से नर्सरी की प्रक्रिया आप देखने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमने प्याज के जो बीज है ज़मीन में मिक्स कर दिए हैं और अब ये रेडी हो गया है। अब ये पानी, इसे पानी देना पड़ेगा और ये 5वें दिन इसका अंकुरण हो जाएगा। दोस्तों अंकुरण कैसे होता है इसका भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो आपको भी पता चलेगा कि प्याज के बीज बना रही है। दोस्तों अब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपको कोई अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।